जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा जान, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। इस टाइम मैं भाई काशिफ के पास दमाम आया हूँ, जानू आई एम इन दमाम। और मेरा चान सवर भाई, और मेरा चान अहमद जाहिद जाहिद मेऊ अदनान भाई उमर भाई गक्का मित्र से। मेरा चान ये भाई मुआज साथ है, इधर तमाम ही होते हैं वो। आज हम समंदर पे आएंगे, तमाम का समंदर है, मोह समंदर है, ये छलों वाला समंदर नहीं है। हाँ जी, नहीं तो छला हो तो प्रोग्राम बढ़ जाए। हाँ जी, तो मेरे चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समंदर जो है ना, अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक के हुक्म से रुका हुआ है। जिस दिन अल्लाह ने आर्डर देना है, इस समंदर में सारे का प्रोग्राम बढ़ देना, जो जो मर्जी बनाओ के, और जिन्ना मर्जी रियाल जमा कर लो। तो ये सारे नन्हे मुन्ने चांद हैं, और जनाब ये समंदर पे आए हुए, ये सारे चांद हैं। और ये बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया है, और देखे वो कितना प्यारा पॉइंट बनाया। खूब इस टाइम सुनने का तकरीबन हो चुका है, और हम इंशाल्लाह अभी की नमाज पढ़ेंगे। और इस बीच का नाम क्या है? जजीरा मुरजान। जजीरा मुरजान ये बीच है, और ये दमाम के अंदर है बिल्कुल। और मैं सारे चैनल को पैगाम देता हूँ कि आप जिस मुल्क में जाएँ उसके आइन को फॉलो किया करें, और उस मुल्क से सीख के अपने मुल्क में भी कुछ फॉलो किया। यानी इधर से आप पार्किंग में गाड़ी लगाना सीख के पाकिस्तान में भी इस तरह किया, इधर से आप पाकिस्तान में आकर अपनी मर्जी चलाते, इधर पे सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते, उधर भी किया करो। गवर्नमेंट की आपसे मोहब्बत है कि पाकिस्तानी हुकूमत आपको जुर्माने इतने नहीं करती। अगर उन्होंने कैमरे लगा दिए हैं ना, कैमरे तो पाकिस्तान में हर जगह आप लग चुके, सेफ सिटी बन चुके हैं। जिस दिन कैमरों से फ्लैश लगना शुरू हो गए ना, तो हाँ जी फिर प्रोग्राम बन जाना मुख्तार। तो सारे मेरे चंद जो है सऊदी हुकूमत को देखें, इन्होंने सारे एस ओ पी जहाँ रस्ते में गाड़ी खड़ी करते पार्किंग की फ़ीस देते हैं। तो आपके साथ पाकिस्तान कितना अच्छे मोहब्बत करता है कि पाकिस्तानी हुकूमत आपसे पार्किंग की भी फ़ीस नहीं लेती। अगर कोई हॉस्पिटलों में पार्किंग है वो भी फ्री हो गई थी, तो अगर कोई हो भी है तो 10-20-40-50 रुपये से क्या बनता है। आप करोड़ों के मालिक हैं, गाड़ियाँ आपकी करोड़ों की। यहाँ मैं पैगाम दे रहा हूँ सबको, जितने मेरे चार इस तरह जितने आज जितने सारे चंद हैं, उन सबको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ। साहब ये समुंदर का रखना ना मत, मेरा चांद जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस मुल्क में मैंने विज़िट किया, दुबई में किया, शारजा में किया, अबू धाबी में किया, कतर में किया, सऊदी अरेबिया में किया, जिस जिस मुल्क गया हूँ वहाँ कानून की हुक्मरानी है। वहाँ अवाम को डर है, कोई छुरता मैंने उसके हाथ में कोई पिस्टल नहीं दिया। पूरे गल्फ में जहाँ जहाँ गया हूँ, और सबसे बड़ी बात मैंने कतर में सऊदीया में सफाई बड़ी देखी, मदीना पार्क में मकम। आप भी जहाँ चीज़ खाते हैं उधर से पहनते, उधर पहनते नहीं, डस्टबिन रखे होते उसमें डाला करो। जिस दीवार पर लिखा हो यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, वो आपकी वजह से लिखा होता तो आप ना फेंका करें। उन्होंने तो कुछ ना कुछ गाड़ी भी लिखी होती है। तो मैं इधर पैगाम दिया आपको कि ये काशिफ भाई मुझे इधर बीच पे लेके आए हैं, तो आप अपने पाकिस्तान में कराची का समंदर देख ले, इतना गंदगी उधर पड़ी है, जो अच्छी चीज़ें उठाते समंदर में फेंक देते हैं। भाई समंदर में मखलूकात है, समंदर वाला कुरान कहता है वाला उल जवार इल्म तो फिल बहरी का लालाम अभी ये अला रबी कुमार तो फसीबान। ये जो समंदर में चलते फिरते जहाज़ हैं, ये सब अल्लाह की मलकियत है। तो इसमें आपको मछली मिलेगी, अगर आप समंदर में गंदगी फैलाएंगे तो वो मछली मर जाएगी।
तो आपको कहाँ से मछली खाने के मिले? आप तो चलो बेगम के लिए पिज्जा ले आते हैं, बर्गर ले आते हैं, शवारमा ले आते हैं, हैं? टिक्का बोटी, मलाई बोटी, हैं? मेरा चान मक्खन, यहाँ वो शाम साहब की दुकान से जाते जी उतो माशाल्लाह उस चंद के कोल जाके मुख्तलिफ डिशा ले आते जो खाने दी। इसलिए मैं अपने चैनल को विराम दूंगा कि अपने मुल्क को भी साथ प्रमोट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदी अरब जिंदाबाद, तमाम जिंदाबाद, मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। बस अपने मुल्क च बाहर के मुल्क के कानून वाकू कानून का ताबे बनाई। थैंक यू मेरा चंद, बहुत शुक्रिया।